40 साल तक ओबीसी कमीशन बनाने में हिला हवाली की गई, उसका भी उजागर किया है। मैं आज कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो और जो इनके समर्थक दल हैं, इंडी गठबंधन, उन सबसे पूछना चाहता हूं कि वह बतावें कर्नाटक का यह आरक्षण मॉडल क्या है, पिछड़ों के आरक्षण पर डाका क्यों डाला गया। जो कोलकाता हाई कोर्ट का आदेश है ओबीसी आरक्षण छीनने के लिए एक तरह से साजिशन घुसपैठियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी किया गया, इस पर यह सारे नेता चुप क्यों हैं? यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। मेरी ओर से इतना कहना था और आज आप सबके माध्यम से छठवें चरण का 25 तारीख को मतदान है, जिसमें भूलपुर लोकसभा और इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र भी आता है। और मैं आज एक बार फिर से यह दावे से कह सकता हूं कि सबके साथ सबके विकास की ताकत के बल पर हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें अपने गठबंधन के साथ जीतेंगे। और 4 जून को जो 400 बार का नारा है वो जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी नीतियां हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए काम किया गया है, किसान उत्थान के लिए काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया गया है, उसके आधार पर हम ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, कोई सवाल इससे रिलेटेड हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरी बात तो पूरी होगी। माइक वाला वहाँ रखा नीचे, हटो अच्छा आशीष तुम हटो यार, बना ले नहीं बना रहे तुम। अध्यक्ष जी हाथ हटाइए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ चले जा रहे भैया? आईडी महिलाओं का हक छीनने का काम रोकने का काम है। कभी कार आ रहा है जिसका हाथ है आईडी कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके उसे कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने लोगों को दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट से दो बार में कर लेना, 2010 के बाद विशेष तौर से ममता बनर्जी सरकार ने आता ही आ रहा जो घुसपैठियों के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए उनको रद्द करने का आदेश दिया है, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और तत्काल इस पर अमल में लाने की मांग भी करती। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, उनका यह बयान संविधान के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का हक नहीं छीनने देगी, पिछड़ों का हक नहीं छीनने देगी, दलितों और आदिवासियों का हक नहीं छीनने देगी। ये भाजपा का संकल्प है, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में विशेष तौर से गरीबों के लिए, विशेष तौर से पिछड़ों के लिए, विशेष तौर से दलितों और आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए जितना काम हुआ है, इतना आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के समय नहीं हुआ है। आज मैं अगर कहूँ तो इस देश के बहुसंख्यक जो ओबीसी एससी एसटी हैं
उनके हितों की भाई आई थिंक अब कोई अपेक्षा नहीं कर सकता उनका अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। एक सवाल ये है कि जो क्या लगता है रिठाने की कोशिश है।